वेलकम फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज नागपंचमी है, आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में मैंने ये स्टार डिजाइन किया था, इंडियन फ्लैग मॉडल। आज के इस वीडियो में आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज़ करके हम इंडियन फ्लैग डिजाइन करेंगे। इससे पहले भी आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज़ कर चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो न्यू पेज इंसर्ट कर लेते हैं। टूल बार में जाएंगे, इलिप्स टूल से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इलिप्स टूल का शॉर्टकट है F7, तो मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इसको मैं इंसर्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद सेव टूल सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से मैं कर देता हूँ आर्क पर क्लिक। जैसे क्लिक करते हैं ये सर्कल आर्क में कन्वर्ट हो जाता है। इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा ऊपर की साइड कर लेते हैं। इसी प्रकार से इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर आर्क पर क्लिक करेंगे, उसके बाद टूल बार में जाएंगे, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ आर्टिस्टिक मीडिया टूल, या फिर आप इफेक्ट में जाएं और यहाँ से सिलेक्ट कर लें आर्टिस्टिक मीडिया टूल। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको खूब सारे तरीके से डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको रिसेंट फाइल मिलता है, जो कि आप पहले यूज कर चुके हैं, यहाँ से उस फाइल को देख सकते हैं। तो मैं इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से कोई डिज़ाइन हम सेलेक्ट करते हैं। यहां से मैं कुछ जिग जैग तरीके से डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। मैं इसी का एक डुप्लीकेट कर लेता हूं और इसको यहां पर एडजस्ट करेंगे, लेकिन इन दोनों का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से मैं कर देता हूँ 9 पॉइंट, अब भी और बढ़ाना पड़ेगा। अब ये लगभग दोनों बराबर है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ से मैं कर देता हूँ ब्रेक ए पार्ट, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के। अब इस लाइन को मैं बाहर कर लेता, इसी प्रकार से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ मैं ब्रेक ए पार्ट कर देता हूँ। इस लाइन को हम करेंगे डिलीट, इसमें मैं फिल कर देता हूँ केसरिया कलर और इसमें ग्रीन। अब ये आप देख सकते हैं कि फ्लैग का इफेक्ट इसमें आ जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ और थोड़ा सा रोटेट भी कर देते हैं इसको। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, नॉर्मल की जगह मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। इस तरीके से इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद क्या करें, इसमें मैं ग्रेडिएंट कलर फिल कर लेता हूँ। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, ऊपर की साइड से मैं लाइट ग्रीन कर दे रहा हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क और कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 20% ब्लैक मिक्स कर दे रहा हूँ इसमें। और मैं इसी प्रकार से केसरिया कलर को सेलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से जी प्रेस करें या फिर टूल बार में जाएं, यहाँ से आप करें इंटरेक्टिव फिल टूल। प्रॉपर्टी बार में जाएं, यहाँ से करेंगे फंक्शनल फिल। इस पॉइंट को नीचे की साइड रहेंगे, इस पॉइंट को ऊपर की साइड, और यहाँ पर हम फिल करेंगे लाइट कलर। नीचे के साइड से मैं थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं 75। ओके, तो इस तरीके से ग्रेडियंट का इफेक्ट आ जाता है। अब मैं यहाँ पर चक्र सेट कर देता हूँ, तो जो पिछला वीडियो मैंने डिजाइन किया था वहाँ से चक्र कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी के साथ। इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि मैं 15 अगस्त के अवसर पर इसको डिजाइन कर रहा हूँ। उसके बाद एलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसमें ग्रे कलर फिल कर देता हूँ। आउटलाइन रन, बिट मैप में जाएंगे, यहाँ से मैं कर देता हूँ कन्वर्ट टू बिट मैप। दोबारा से बिट मैप में जाएंगे और यहाँ से मैं कर देता हूँ गॉसियन ब्लर। यहाँ से इसके इफेक्ट को और बढ़ा देते हैं, ओके करेंगे। इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ और छोटा भी करेंगे। इसी का एक और डुप्लीकेट करेंगे, एक और डुप्लीकेट, और इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करते हैं। इसका कलर मैं और डल कर देता हूँ, यहाँ से कर देते हैं 30, साइज और बढ़ा देते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने एक फ्लैग डिज़ाइन कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज़ करके इसी तरीके से आप डिज़ाइन करें, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्री हैंड टूल से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, शेप टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से मैं कर देता हूँ कन्वर्ट टू कर्व। इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस हैंडल को ऊपर की साइड ले जाएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे की साइड में कर लेता हूँ। उसके बाद अब हम आर्टिस्टिक मीडिया टूल इस पर अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ से इस ऑप्शन को सेट करता हूँ या फिर इसको, मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद इसी का एक और डुप्लीकेट करें और इसमें मैं फिल कर देता हूँ केसरिया कलर, इसमें फिल करते हैं ग्रीन कलर, या फिर फ्री हैंड टूल से कुछ इस तरीके से बना लिए हैं और इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी वेक्टर ऑब्जेक्ट पर आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने एग्जांपल के तौर पर आप सभी को बता दिया, आप प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे फ्लैग डिज़ाइन या अदर कोई डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।